डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के 6 नोड बनाने के जिस कार्यक्रम की घोषणा की थी, उस दृष्टि से आज का यह सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी साबित हो सकता है। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है, देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है। 25 करोड़ की आबादी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रही है। उत्तर प्रदेश 96 लाख एमएसएमई यूनिट के साथ औद्योगिक निवेश की इन आधारभूत शर्तों को पूरा करता है, जो यहां परंपरागत तरीके से सैकड़ों वर्षों से जो से विरासत में प्राप्त हुआ है, उन परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से अपनी परंपरागत उद्यम को बढ़ावा दिया है, जिसका परिणाम है कि हर एक जनपद के पास अपना एक यूनिक प्रोडक्ट है और 96 लाख एमएसएमई यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के लिए उनके नए रोजगार और उन्हें उस एमएसएमई यूनिट के माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को, स्वावलंबन के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ी मदद करते हैं। देश भारत अगर देश दुनिया के अंदर सबसे अधिक यूथ वाला देश है, तो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश इन संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर कृषि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि में से 11% भूमि के साथ हम 20% खाद्यान्न उत्पादन करके देश के अंदर खाद्यान्न उत्पादन में नंबर एक पर है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनमें उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है। सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के पास है और उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश के लिए देश के अंदर सबसे अच्छा गंतव्य इसलिए भी बनने जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास अपना एक अच्छा लैंड बैंक भी है, जिसके माध्यम से हम प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश से जुड़े हुए सभी 25 सेक्टर्स में निवेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को एक नई उड़ान देते हैं। ये जो 25 सेक्टर है, इसमें डिफेंस एंड एरोस्पेस भी है, जिसको तेजी के साथ विकास के पथ पर हम भारत सरकार के साथ मिलकर के जहां आगे बढ़ा रहे हैं, वहां राज्य सरकार की भी अपनी डिफेंस एंड एरोस्पेस की अपनी नीति है, जिसके अंतर्गत उन संभावनाओं को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक निवेश और रोजगार से जुड़ी हुई नीति यह अपने आप में एक विकल्प आधारित नीति है, जो उसमें तमाम प्रकार निवेशक को तमाम प्रकार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद देती है और इन 25 सेक्टर्स से जुड़ी हुई सभी नीतियों के माध्यम से हर एक निवेशक को उत्तर प्रदेश के अंदर एक सुरक्षित निवेश करने की गारंटी देने और निवेश के माध्यम से न केवल निवेशक के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए उसे हम फलदायी बनाने में भी आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यूके ने पार्टनर कंट्री के रूप में जीआईएस 2023 में जो अपना योगदान जिस रूप में दिया है और यूके के डिफेंस प्रोक्यूरमेंट मिनिस्टर ने जिस रूप में इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपना सकारात्मक एक सहयोग इस पूरे कार्यक्रम के साथ जोड़ करके देखा है, उनका एक पूरा डेलीगेशन उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को, जो केवल डिफेंस एंड एरोस्पेस के क्षेत्र में नहीं बल्कि
उत्तर प्रदेश के अंदर फूड प्रोसेसिंग के फील्ड में, उत्तर प्रदेश के अंदर उन सभी सेक्टर्स में जो उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की टीम ने मिलकर के उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया, उन सभी फील्ड में हम लोग इसको और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में राज्य सरकार का पूरा सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा। मैं पूरे डेलीगेशन को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाला हर निवेश न केवल सुरक्षित होगा बल्कि निवेशक के लिए भी फलदायी बनाने में राज्य सरकार अपनी पॉलिसी के अंतर्गत भरपूर मदद करेगी। मैं एक बार फिर से यहां पर यूके के माननीय डिफेंस प्रोक्योरमेंट मिनिस्टर और उनके पूरे डेलीगेशन का उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जीआईएस 2023 में हृदय से स्वागत करता हूं और यूके गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पार्टनर कंट्री के रूप में उत्तर प्रदेश के अनुरोध को स्वीकार करते हुए इसमें अपनी सहभागिता की और जीआईएस 2023 को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान किया है। आप सबके प्रति आप सभी इस आयोजन के साथ सहभागी बने हैं, उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाए हैं, मैं इसके लिए आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद।